कोटा जिले की रामगंज मंडी नगर पालिका में शनिवार को पालिका सभागार में चेयरमैन देवीलाल सैनी व उपाध्यक्ष रमेश मीणा की अध्यक्षता में वर्ष 2021-22 का बजट पेश हुआ, जिसमें कांग्रेस भाजपा निर्दलीय सहित 40 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। वहीं पालिका बजट में शहर को सौगात मिली है। विकास कार्यों से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के लिए पूरे बजट में 44,09,96,000 रुपए सर्वसम्मति से पालिका मंडल द्वारा पारित किए गए हैं। वहीं पूरे बजट में सबसे महत्वपूर्ण शहर के विकास कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूरे बजट के अंदर शहर के विकास कार्यों के लिए 28,08,00,000 रुपए का बजट पेश किया गया। वहीं करीब 16 करोड़ से अधिक बिजली सामान, फर्नीचर, क्रय, कर्मचारियों के वेतन भत्ता, प्रशासनिक व्यय, सफाई व्यवस्था एवं परिवहन, राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव आदि व्यवस्थाएं शामिल की गई। वहीं 2021-22 में पालिका का आय व व्यय 44,09,96,000 बजट के बराबर ही होगा। 44,09,96,000 का इसमें बजट लिया और इतना ही इनकम होगी नगर पालिका को, इतना ही इसमें खर्च होगा। किन किन बिंदुओं पर विकास के लिए 28,08,00,000 रुपए विकास के लिए रामगंज मंडी के नगर के विकास के लिए और अन्य खर्चे। और क्या क्या है इसमें ऐसा क्या क्या है? तो ये तो सारा ही हो गया ना, परिवहन व्यवस्था है, कचरे की है, गाड़ी घोड़ों की है, नगर पालिका की है, प्रशासनिक है,